जय श्री कृष्ण। भगवत गीता विजय का शास्त्र है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर उस युद्ध में पांडवों की सेना का नेतृत्व करने वाला और सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन जब हतप्रद हो गया, तब उस अर्जुन को उसकी नकारात्मकता से उठाने वाला ऐसा शास्त्र भगवत गीता है। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। जो जो लोग नेतृत्व करते हैं उन सब के लिए विजय के अनेक मंत्र भगवत गीता में आते हैं। कर्मयोग भगवत गीता का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में भगवान कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। परस्परं भावयन्तः, भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे से स्नेह करते हैं। भगवान के बिना भक्त अधूरा है और भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ करने लगते हैं तो दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं, श्रेयः परम वाप्स्यथ, विजय की ओर बढ़ते हैं। हम परिवार में नेतृत्व कर रहे हो या हमारे व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे हो या किसी सामाजिक संस्था में हम नेतृत्व कर रहे हो, यह संघ भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। हम और हमारे सहयोगी सब एक दूसरे के साथ बैठे, एक दूसरे से स्नेह करें, एक दूसरे को समय दे, मिलते रहे, मीटिंग्स करें, परामर्श ले, बात करें और आगे बढ़े, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है विजय के लिए। मैं अक्सर बच्चों के साथ काम करता हूं। एक बार मैंने छोटे बच्चों से कहा, जो कि पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले थे, उनसे कहा कि अपने घर का चित्र बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया। मैंने पहले ही कह दिया था कि घर का चित्र बाहर से नहीं अंदर से बनाना है, नहीं तो बच्चे जनरली एक झोपड़ी का चित्र बना देते हैं। मैंने कहा था कि घर के अंदर कौन कौन है, कौन सी चीजें हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, ये आपको दिखाना है। बच्चों ने चित्र बनाए। जब मैं चित्र देखने लगा तो एक चित्र थोड़ा विचित्र था। मैंने उस बच्चे को बुलाया और मैंने उससे बताया कि देखो बेटा, तुम्हारे इस चित्र में कुछ गड़बड़ है। तुमने अपने आप को कान निकाले हैं, अपने बहन को भी कान निकाले हैं, लेकिन अपने माता और पिता को कान निकालना रह गया, ये भूल रह गई, इसको ठीक करो। तो उस बच्चे ने कहा कि नाना, ये भूल नहीं है, मैंने बिल्कुल सही निकाला है। तो मैंने पूछा कि क्या उनको कान नहीं है, क्या वो सुन नहीं पाते? मुझे लगा हो सकता है कि वो बहरे हो, लेकिन बच्चे ने जो बात कही वो सुनकर मैं चकित रह गया। बच्चा कहने लगा कि कान तो है उन्हें, सुन तो वो सकते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, सुन तो सकते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। बच्चे ने जो बात कही वो उसके घर के वातावरण को दर्शाने वाली थी। जिस घर में एक दूसरे को सुनने का समय नहीं, जिस घर में एक दूसरे को सुनने की आदत नहीं, उस घर में वातावरण कैसे होगा ये पता चल जाता है। हम लोग कहीं पर भी नेतृत्व करते हो, हम लोगों को मिलते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, मीटिंग्स करते रहना चाहिए। जब हम लोग इस प्रकार से मिलना आरंभ करते हैं तो शुरू में थोड़ी गड़बड़ निश्चित होती है। पहले फॉर्मिंग होता है, हम सब एक टीम को फॉर्म करते हैं, एक संघ बनाते हैं, फिर थोड़ा स्टॉर्मिंग भी होता है, थोड़े मतमतांतर होते हैं, थोड़े वाद प्रतिवाद भी होते हैं, थोड़े मतभेद होते हैं। मतभेद होने में कोई गड़बड़ नहीं, मनभेद नहीं होने चाहिए। जब फॉर्मिंग होता है, स्टॉर्मिंग होता है, लेकिन मनभेद नहीं होते, तब नॉर्मिंग होना शुरू होता है। और जब सब कुछ ठीक होने लगता है उसके बाद वो टीम परफॉर्मिंग होने लग जाती है। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग, यही मार्ग है विजय का। संवाद के साथ में एक दूसरे को सुनते सुनते, एक दूसरे का परामर्श लेते लेते आगे बढ़ना, यही विजय का मार्ग है। और भगवान यही बात कह रहे, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः। एक दूसरे के साथ स्नेह करते करते आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, श्रेयः परम वाप्स्यथ,
हम लोग विजय की ओर निकलेंगे। हमारे कल्याण का ये मार्ग है, भगवान का ये मंत्र हम लोग अपने हृदय में रखें, आगे बढ़े और विजय प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।